पावर बीआई की तरह से इस तरह का रिपोर्ट तैयार करना है जिसका डेटा हमने बनाया। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो डेटा ऐड करते हैं जो कि हमारे डी ड्राइव में पड़ा हुआ है। डी में गया, ए में गया। मेरा ई में चला गया। ओपन सीट, डेटा सीट को लिया, देन लोड किया। 17,000 समथिंग का डेटा है, 6 महीने का सेल्स है। एक बार देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो ये हमारा सेल्स आईडी है, ये हमारा डेट है, ये हमारा रीजन है, ये हमारा स्टेट है। अब स्टेट को मैंने क्या किया, अनकटराई के जगह पे मैंने यहाँ पे ले दिया स्टेट प्रोविंस। ठीक है, ये हमारा सेल्स चैनल है, क्वार्टी सेल्स चैनल में है कि भाई किस चैनल से सेल्स हुआ, ऐप से, ऑनलाइन हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऐप से सेल हुआ है। ये क्वांटिटी हुआ, इस रेट पे ये अमाउंट जनरेट हुआ, ए प्रॉफिट जो कि परसेंटेज होना चाहिए हमने परसेंटेज कर दिया। अमाउंट इस तरह से डेसिमल में है तो हमने इसको जीरो कर दिया आपके सामने। ये हमारा डिलीवरी डेट। उसके बाद यहाँ जाते हैं तो डिलीवरी कॉस्ट हो गया, ये हमारे प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा एम्प्लॉय नेम होगा जिसने सेल किया है, और उसका ये टारगेट हो गया, कितना टोटल टारगेट हुआ। अब चलिए रिपोर्ट सेक्शन में आते हैं। मैं ब्लैक एंड व्हाइट बना चाहता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूँ पूरा एकदम। तो इसके कैनवस में गए और यहाँ पे हम वॉल पेपर पे आते हैं, कलर हम यहाँ से ब्लैक लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ले लिया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्लाइसर्स चाहिए। क्या चाहिए? स्लाइसर्स। तो सबसे पहला यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इंसर्ट करते हैं सैप, कुछ इस तरह का ट्रायंगल, और यहाँ पे इसको नीचे तक देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये ब्लू है, मैं इसको भी ब्लैक करूंगा फिलहाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम अपना स्लाइसर रखते हैं। इस स्लाइसर के अंदर में हम यहाँ रखते हैं सबसे पहले डेट, डेट बिटवीन, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इतना सही है, और उतना ही मुझे यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट में जाएंगे, इसका हेडर वगैरह बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं जनरल में, इफेक्ट, इफेक्ट में हमने बैकग्राउंड हटा दिया। ठीक है, और विजुअल शैडो ऑन कर दिया, और इसकी जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड मैं ऑन करके इसकी इसकी बैकग्राउंड ऑफ, एक मिनट, इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड सैप स्टाइल ब्लू है, फिल हटा दिया, फिल को हटा दिया, नहीं फिल में होना चाहिए, फिल होना चाहिए, एक मिनट, अगर फिल हटा देता हूँ और इसको शैडो दे देता हूँ तो क्या कैसा दिखेगा? तो बॉर्डर है, बॉर्डर भी हटा देता हूँ, कुछ खास नहीं, पता नहीं चल रहा है ना। तो इसको हम सैप्स में इस यहाँ पे स्टाइल में आते हैं और ऑन करते हैं कलर को, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना करके हल्का सा ब्लैक से कम 10% लाइटर कर दिए। अब दिख रहा है, बिल्कुल सही है, इसको सिलेक्ट किया। अब इसकी फॉर्मेटिंग पे आते हैं,
और इसमें हम इसकी जो वैल्यू है उसका कलर ब्लैक टू व्हाइट करते हैं, ठीक है। जितने भी सब सबको यहाँ पे मुझे करना है, स्लाइसर हीडर है उसको भी मुझे यहाँ पे वाइट करना है। टाइटल ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है ना। अब यहीं पे मुझे रीजन सेलेक्ट करना है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं फिल्टर स्लाइसर लेता हूँ, और इस स्लाइसर के अंदर में हम क्या करेंगे रीजन, जो हमारा रीजन है उस रीजन को डाल दिया। कितने रीजन है, तो ये रहा रीजन, और इस रीजन को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, और इसकी भी मैं क्या करना है स्लाइसर हीडर कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। फिर इसकी बैकग्राउंड हटाता हूँ, हो जाएगी बैकग्राउंड इफेक्ट में बैकग्राउंड कर दिया, और विजुअल कलर व्हाइट, टाइटल में व्हाइट कर दिया, स्लाइसर हेडिंग में। उसके बाद आते हैं स्लाइसर वैल्यू, इसकी कलर भी व्हाइट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा एक मिनट और है यहाँ पे, मुझे एक बार इसको देखना है स्लाइसर हेडर, ओके बॉर्डर से बैकग्राउंड पैडिंग आइकन चाहिए वैल्यू, नहीं शैडो नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, सही है, ठीक है। अब इसी को मैं यहां से कॉपी कर नीचे पेस्ट करता हूँ जहां पे स्टेट होंगे, क्या हो गया इसमें, तो कॉपी करके पेस्ट किया हमने, और इसको नीचे है, और इसको यहां से रीजन हटा के हम क्या लिखेंगे स्टेट, स्टेट स्टेट में यहाँ से स्क्रॉल हो जाएगा, और स्टेट के बाद मुझे सेल्स चैनल सेलेक्ट करना है, सेम कॉपी कॉपी पेज एंड पेस्ट। यहाँ पे इसको हटाइए, और यहाँ पे हम दे देते हैं अपना चैनल सेल्स चैनल, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इसको जो बार बार ऊपर आता है ना, इसके फॉर्मेट में आते हैं, और सेंट बैकवर्ड, सेंट टू बैकवर्ड, हमेशा पीछे ही रहेगा, ठीक है। और ए सबको कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट करके, और फॉर्मेट में ग्रुप, इसको ग्रुप बना दीजिए, जिससे बार बार क्लिक करने पे जो हाइड हो जाता है ना वो हाइड नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे सेम थिंग चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 कार्ड लिया, कार्ड को छोटा करता हूँ,
और इसमें हम रखते हैं अपना टोटल सेल्स, मतलब कि अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब इसको ये रहा यहाँ पे, ये इतना सही है। हाँ, अब इसमें हम आते हैं विजुलाइजेशन में और जनरल में। सबसे पहले इफेक्ट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम ग्रे कलर ए वाला 10% वाला लेते हैं, और विजुअल में आते हैं इसकी कलर वाइट लेते हैं, वैल्यू की कलर भी वाइट है लेते हैं, ठीक है। और साथ में सही, इतना ही सही है। इसके अंदर आप चाहो तो शैडो दे सकते हो, यहाँ पे जनरल में इफेक्ट के अंदर शैडो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ना चले। अब इसको कॉपी किया और इसके जस्ट बगल में पेस्ट करेंगे, और इसमें जो हमने अमाउंट है उसके जगह पे हम अपना प्रॉफिट अमाउंट रखेंगे। फिर अगेन कॉपी किया और पेस्ट करेंगे और इसको आगे के तरफ ड्रैग करेंगे। ऐसे कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, बार बार फॉर्मेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं होता है। इसमें मुझे अपनी क्वांटिटी रखना है, टोटल क्वांटिटी। फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्वांटिटी के बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज में इसमें हम सम के जगह पे एवरेज कर देते हैं, और डेसिमल जो है उसको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं वैल्यू में डेसिमल्स जीरो कर दीजिए ऑटो के जगह, तो एवरेज 50% है। कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे अब थोड़ा थोड़ा जगह हमें और कम करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कुछ और इसमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम बढ़ाते हैं। अब इसमें मुझे अपना ऑर्डर देना है, तो जो SID है ना उसको यहां पर रखते हैं, उसको सम के जगह पे काउंट कर देते हैं। काउंट सही है, 18 के काउंट ऑफ SID है। अब ये जो यहाँ पे काउंट ऑफ SID एवरेज में समझ में आता है, बट ये समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि पावर BI के अंदर में यहाँ नीचे जो है आप अपना ये जो क्लाउड लेवल वैल्यू लेवल होता है उस लेवल को चेंज नहीं कर सकते, वो तो लेवल जो है फिक्स रहेगा। लेकिन आपको अगर अपना खुद का मैसेज देना है तो आप इसकी लेवल को कर दीजिए गायब और चले जाइए जनरल में। जनरल में आपको यहाँ टाइटल दिखेगा, टाइटल कीजिए एड और यहाँ दे दीजिए यहाँ पे ऑर्डर। इसकी कलर जो है ब्लैक की जगह पे व्हाइट कर देती है, अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं अपना डिलीवरी डेट, बताते हैं। अब डिलीवरी डेट नहीं चाहिए मुझे, चाहिए कि भाई इनके अंदर जो डिलीवरी डेट का डिलीवरी डेज कितना है, लेकिन डेटा में डिलीवरी डेज तो है ही नहीं, तो यहाँ न्यू कॉलम करके यहाँ पे लिखते हैं डे
डेट। यहां पे हम करते हैं सिंपल सा डेट, डेट नहीं, डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट माइनस डेटा का डेट, तो ये क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस में आ जाए, इस तरह से आया, जिसको डेट में ना करके मैं यहाँ पे इसको होल नंबर करता हूँ। यस, ये आपका नंबर में आएगा। अब मैं अपने डेटा इसके अंदर में ये जो हमारा कैलकुलेट हुआ डिलीवरी डेज, इसको रख दिया, और ये जो सम है इसके जगह पे एवरेज निकाल दिया, ताकि पता चले कि 8 डेज का हमारा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कॉल आउट लेवल ऑन कर देते हैं और टाइटल को ऑफ कर देते हैं। ऊपर का तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स का ट्रेंड देना है, क्या देना है, टोटल सेल्स का ट्रेंड, वो भी डेट वाइज, क्या वाइज, डेट वाइज। तो ये देखिए जून है, यहाँ पे आपका 1 अप्रैल सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे हम लेते हैं लाइन चार्ट को, मुझे यहाँ पे तीन चीजें चाहिए। देख, पट्टी मुझे चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंसर्ट सैप्स, और सैप्स को यहां रखेंगे, थोड़ा सा नीचे करें। सैप्स का जो स्टाइल है, इसमें जो कलर है, वो कर देंगे हम ए 10% वाले, जो सबको सिलेक्ट किए हुए हैं। इसका बॉर्डर हटा दीजिए, बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। ग्लो नहीं, बॉर्डर हटा दीजिए। जनरल में इफेक्ट, अगर शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट ब्लैक है तो ब्लैक पे शेडो उतना दिख नहीं रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल सेल्स, एवरेज डिलीवरी, एंड साथ में चाहिए टोटल कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, 3 लाइनिंग में चाहिए मुझे यहाँ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लाइन चार्ट ले रहे हैं। लाइन चार्ट में हम डेट को रखते हैं एक्सिस में, ये हेरिकल हो गया, मुझे हेरिकल नहीं करना, डेट चाहिए। और फिर इसमें टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स मतलब कि हमारा क्वांटिटी होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी को पुट किया, आया। अब इसकी बैकग्राउंड में आते हैं, यहाँ पे इफेक्ट में इसमें हटा दिए, टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। और ये आता है आपका विजुअल में, आपका जो एक्सिस है, हाँ, जितना ऑन है उसको ऑफ करना होगा, मुझे एक्सिस भी नहीं चाहिए, इसका टाइटल भी नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, हाँ, लेजेंड चाहिए मुझे इसमें, डेटा लेवल, सीरीज लेवल, पर सीरीज लेवल सबसे लास्ट में आ रहा है, पोजीशंस लेवल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो लाइन कलर, इसकी कलर, एक वेट मिनट, इसकी जो सीरीज लेवल है, इसकी वैल्यू, वैल्यू का कलर वाइट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लाइंस, लाइंस का जो है कलर, वो कलर होना चाहिए वाइट, और इसको हम यहां से इस तरह से इतना करेंगे कि विजुअल हो जाए, ठीक है, इसको छोटा। हाँ, इसमें मुझे एक चीज और ऑन करना है, डेटा लेवल्स, और डेटा लेवल्स में मुझे नहीं, डेटा लेवल्स नहीं,
इसके बारे में बात करते हैं। फिर अब इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं अगेन। यहाँ जो यहाँ पे तीन चीजें चाहिए तो थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे मैं सम ऑफ क्वांटिटी हटाया और एवरेज डिलीवरी जो डेज है ना वो रखता हूँ, डिलीवरी डेज, और इसको मैंने कर दिया एवरेज। लाइंस डाउन लीनियर कलर वाइट, इसको वापस हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसमें डिलीवरी कॉस्ट होगा, बताते हैं डिलीवरी कॉस्ट, जैसे लाइंस कलर वाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि कॉलम फिल ले रहा है, तो इसकी जो है टाइटल वगैरह आप डाल सकते हैं इसको हटा के, जैसे इज लेबल ऑफ कर दीजिए और इसमें जनरल में आप टाइटल डाल दीजिए, और टाइटल डालने से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो ये सही रहेगा। ऐसा दिक्कत है तो कॉलम का नेम चेंज, कॉलम का जो है नेम चेंज कर दीजिए, यहाँ जो कॉलम आ रहा है उसका नेम चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे मुझे अपना स्टेट बाई सेल चाहिए, इसमें ब्लाइंड चार्ट में तो हमने लिया है इसको, स्टेट बाई सेल्स, अरे क्या बोलते हैं इसमें अमाउंट, और इसको शॉर्ट कर डिसेंडिंग टू असेंडिंग सही तो है, और इसका भी सेम वही करना है। फॉर्मेट में आते हैं, वाई एक्सेस टाइटल ऑफ करते हैं, नहीं चाहिए, बार्स बार्स की कलर जो है ये कलर सही लेआउट,
सही है। और रेलेवेंट नहीं चाहिए। वैल्यू पर इसकी बैकग्राउंड हटाता हूँ, जाए इफेक्ट बैकग्राउंड, ये हमारा 10% भी ठीक है। टाइटल और यहाँ पे टॉप स्टेट सेल्स, और इसकी कलर व्हाइट। ठीक है सर, इसी कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए आगे, बाकी इस सबको व्हाइट कर लीजिएगा, यहाँ फॉर्मेटिंग में आपको आ जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नाइन जो बार्स, ये क्या है? लेजेंड्स नहीं है इसमें, वाई एक्सिस के अंदर भी वैल्यू होना चाहिए ना, वाई एक्सिस में वैल्यू है ना। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए सस के बगल में, और यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट के, यहाँ स्टेट वाइज नहीं, यहाँ मुझे चाहिए एम्प्लॉई वाइज, तो जो एम्प्लॉई है हमारे पास हमने एम्प्लॉई कर दिए ठीक है। देन कॉपी, मुझे यहाँ पे डिलीवरी ये चाहिए एम्प्लॉई बाय डिलीवरी एवरेज डिलीवरी, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉई बाय डिलीवरी भेज दिया और इसकी एवरेज निकाल दिया ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक कॉल टेबल लेता हूँ, और टेबल में मुझे चाहिए अपने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद मुझे चाहिए इसमें अपनी टोटल सेल्स प्रॉफिट एक सेल्स को एक बार और रखना है, और इसको हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल। ठीक है, और इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम करना है जनरल में, इफेक्ट बैकग्राउंड को कर देना है यहां से थर्ड पर्सन, सेम उसी तरह से वैल्यूज, एक मिनट, वैल्यूज की जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर जो है इसको ग्रे, और इस अल्टरनेट टेक्स्ट कलर अल्टरनेट इसको भी ग्रे, और जो फॉन्ट कलर है टेक्स्ट कलर इसको व्हाइट और इसको भी व्हाइट ठीक है। एंड टोटल, यहाँ टोटल दिख रहा है, टोटल को हम कर देते हैं अगेन व्हाइट इस तरह से, राइट। देन मुझे यहाँ मंथली चाहिए
चाहे सेम चाहिए मंथ में, तो मैंने यहाँ अगेन इस फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, तो इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, सेम चीज चाहिए बट मुझे प्रोडक्ट वाइज नहीं, मुझे मंथ वाइज चाहिए। तो डेट को मैंने यहाँ पे रखा, डेट हेरिकल हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, मंथ वाइज। एक ही साल का है तो ईयर की भी जरूरत नहीं है, तो मंथली आ जाता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट भी डाल देते हैं इसमें, प्रॉफिट अमाउंट। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको लिया, और मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि टोटल सेल्स और टारगेट। तो हमने यहाँ पे अपना क्वांटिटी को रखा, ये रहा क्वांटिटी, और हमने अपना टारगेट को रख दिया मैक्सिमम सम ऑफ टारगेट। तो टारगेट पूरा है। इस पे हम क्या करेंगे, इसकी सेम फॉर्मेटिंग करना होगा। देखिए बैकग्राउंड अगर डार्क लेते हैं तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि हर जगह आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइटल यहाँ पे, इसकी कलर वाइट। उसके बाद यहाँ पे विजुअल पे आते हैं, डेटा लेबल्स, इसको वाइट, भी वाइट। ठीक है, इसको और बाकी और चीजों में टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद यहां मेरे मैप है, ये रहा मैप, फिल मैप लेना चाहता हूँ, फिल मैप लिया, और फिल मैप के अंदर मैप को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैप वाइज मैं लेता हूँ स्टेट, इसके अंदर क्या डालूंगा, लोकेशन में स्टेट को, और इसमें हम पूरा एरिया फिल है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैं यहाँ डेट वाइज सेल चाहता हूँ, डेट वाइज मंथ वाइज टोटल सेल्स, तो लाइन चार्ट में चाहता हूँ, तो नहीं कॉलम चार्ट चाहता हूँ, यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया और इसको मैंने यहाँ डाला। तो ये डैशबोर्ड हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसमें मैंने डाला अपना डेट, और डेट हेरिकल है, मुझे हेरिकल नहीं चाहिए, डेट वाइज चाहिए, और इसके अंदर मैं अपना अमाउंट डालना चाहता हूँ। ठीक है, और इसकी भी एक फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ मैं, क्या क्या, चलिए वाई एक्सिस में आता हूँ, मुझे इसके टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल हट गया, और सबसे पहले इसके बैकग्राउंड इफेक्ट को करता हूँ 10% से। उसके बाद हम टाइटल में आते हैं, टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैंने टाइटल ऑफ कर दिया, नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू चाहिए बट विथ वाइट कलर, ऐसी एक्स एक्सिस के अंदर में वैल्यू चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल हटा दिया, टाइटल हटा दूंगा, हटा हुआ है, और हमने इसको लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे सेंट्रल रीजन का सेल चाहिए, इसमें बिहार। ठीक है सर, और मुझे बिहार के अंदर ऑनलाइन वाले सेल चाहिए, दिख रहा है सर, इन हाउस के चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ऐप चाहिए। बिहार के जगह पे मैं चंडीगढ़ करता हूँ, चंडीगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ चाहिए, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कर
मैंने बताया स्टेट जब हो तो नहीं होता, सिटी हो तो जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो तो जरूरत पड़ती है। ठीक है चलिए, तो आप कोई फाइल भेज रहा हूँ, बनाइए कुछ ऐसा ही। ठीक है। सर।